आज मैं होममेड प्याज का तेल बनाना बताऊंगी। प्याज के फायदे हर कोई जानते हैं। इस तेल को पहले मैंने खुद पे आजमाया है। 3 महीने पहले लगभग मेरे 500 बाल झड़ते थे और अब सिर्फ 10-12। जो बाल झड़ चुके वो भी वापस आने लगे। बाल घने, मजबूत, लंबे हो गए। बालों का हर प्रॉब्लम दूर करेगा ये प्याज का तेल। इसमें जो भी सामग्री हमने इस्तेमाल की है उसकी जानकारी वीडियो के अंदर दी है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो इस चमत्कारी आयुर्वेदिक तेल को बनाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए 2 मध्यम आकार के प्याज। प्याज में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो स्कल के ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है। तेज दुर्गंध इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में सल्फर पाया जाता है जिससे ये बालों को नरिश करता है, झड़ते हुए बाल को झड़ना कम करता है और जो झड़ चुके वो फिर से वापस से आने लगते हैं और असमय सफेद यानी ग्रे हेयर को भी आने से रोकता है। तो सबसे पहले हम प्याज को काट लेते हैं। प्याज को काट लिया है। सेकंड इंग्रेडिएंट है नारियल का तेल। आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं और नारियल का तेल हमें 400 ml ही इस्तेमाल करना है। नारियल का तेल एक ऐसा तेल है जिसमें आप 2-3 प्रकार के तेल को मिलाया जा सकता है। नारियल तेल बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। बालों को सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाता है। साथ में ये कंडीशनर का भी काम करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करेंगे कैस्टर ऑयल, जिसे हिंदी में अरंड का तेल बोला जाता है। पुराने जमाने से चलता आ रहा ये तेल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, जिससे स्कैल्प का बचाव होता है इन्फेक्शन से, जिससे हेयर फॉल भी रुक जाता है। इसमें पाया जाता है ओमेगा 9 फैटी एसिड जो बालों के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इसके रेगुलर यूज से हमारे बाल बहुत लंबे, घने और मजबूत बनते हैं। जो पतले हेयर हो जाते हैं वो धीरे धीरे इसके इस्तेमाल से स्ट्रांग हो जाते हैं। इसमें पहले से ही विटामिन ई होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है, आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, सरसों के तेल डालें और उसके साथ आप लास्ट में, मैं बताऊंगी इसका इस्तेमाल कब करना है, हमें 3 विटामिन ई कैप्सूल डालना है। बहुत ही इजी, मेडिकल स्टोर में आपको विटामिन ई कैप्सूल आप बोलिएगा मिल जाएगा। चौथी सामग्री हमें चाहिए करी पत्ता। करी पत्ता के फायदे तो हर कोई बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बालों को काफी घना बनाता है और बहुत तेजी से बाल बढ़ना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, साउथ के लोग का बाल काफी घना, काला, मजबूत और लंबा होता है क्योंकि वो शुद्ध कोकोनट ऑयल और करी पत्ता रोज इस्तेमाल करते हैं खाने में और लगाने में। तो यहाँ पे 1/2 कप आप लीजिए। जितना मैं इस्तेमाल करी इसका दुगना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ 2 tablespoons मेथी दाना। मेथी दाना का फायदा तो हर कोई जानता है, बालों के लिए रामबाण से कम नहीं। नेक्स्ट हम इस्तेमाल करेंगे ओनियन सीड। जी हाँ, यहाँ पे हम प्याज भी इस्तेमाल करने वाले हैं और साथ में ओनियन सीड, जिसे हिंदी में कलौंजी, बहुत सारी रेसिपीज में हम डालते हैं और मंगरैल भी बोलते हैं। तो कलौंजी का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, जिनका पहले से ग्रे हेयर हो गया है यानी समय से पहले सफेद बाल हो जाना कम उम्र में, तो वैसे में ये बालों को धीरे 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 काला करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा और फिर से सफेद बाल उगने से भी रोकेगा। नेक्स्ट मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ 12 almonds यानी बादाम। बादाम को सिंपल बिना फुलाए मिक्सी में पीस लिया है तो ये इस तरीके का दरदरा हो चुका है। हाथों से दाबेंगे तो तेल थोड़ा बाहर आ चुका है। इसी तरीके का हमें चाहिए, फुला के ना ले। तो इस तेल का फायदा आपको ज्यादा से ज्यादा मिले इसलिए यहाँ पे मैं बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सस्ता पड़ता है। अगर महंगे में जाए तो यहाँ पर आप रोगन बादाम शुद्ध 100% प्योर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 tablespoon। ये डाबर आलमंड हेयर ऑयल है, इसमें परफ्यूम मिला रहता है, ये ओरिजिनल तेल नहीं है, इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो ये सब थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है इसलिए यहाँ पे मैं 12 बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आयुर्वेद में सदियों से माना जा रहा है अड़हुल का फूल, तो यहाँ पे मैं 6 फूल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें विटामिन सी, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है। बालों में डैंड्रफ की समस्या, 2 मुहे का बाल होना, ये सब प्रॉब्लम को दूर करता है। इसके साथ इसमें कैल्शियम, फैट, आयरन की भरपूर मात्रा उपलब्ध होती है। अगर आपको सफेद अड़हुल के फूल मिल जाए तो उसका भी इस्तेमाल करें। हेयर कलर का इस्तेमाल करने से जो बाल डैमेज होते हैं, बालों में शाइनिंग खत्म हो जाती है, उसको वापस लाने में मददगार है।
और झड़ते बालों को भी रोकता है। तो सारी सामग्री मैंने दिखा दी है, बिना देर किए चलिए तेल बनाना शुरू करते हैं। गैस पे चढ़ाइए कढ़ाई, वैसा बर्तन चढ़ाए जिसका तला मोटा हो। तेल को हमें आहिस्ता आहिस्ता बनाना है, इसलिए हेवी बॉटम का पैन ही चढ़ाएं। इसमें डाल रही हूँ मैं नारियल का तेल। फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और दूसरे डब्बे का भी मैं कोकोनट ऑयल को निकाल लेती हूँ। तेल में हल्का हल्का बबल्स आने लगा है। 400 ml नारियल का तेल कढ़ाई में डाल दिया है, फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है। अब इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच कैस्टर ऑयल। ये तेल बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है, इसे डायरेक्ट बालों में नहीं लगाना चाहिए। देखिए किस तरीके से गोंद की तरह है, मैं आपको अपने फिंगर पे निकाल के दिखा रही हूँ ताकि आप इसका टेक्सचर देख सके कितना थिक होता है। ये थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है, तो डायरेक्ट बालों में लगाइएगा तो बाल चिपक जाएंगे और टूटने भी लगेंगे। इसलिए हम गरम तेल में मिलाएंगे, ठंडे तेल में भी कैस्टर ऑयल डिसॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले तेल में डालिए मेथी दाना 2 चम्मच। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का बबल आ रहा है, बहुत तेज गरम नहीं कीजिएगा, तेल से धुआं नहीं आना चाहिए वरना तेल जल जाएगा और ये जो हम तेल बना रहे हैं ये भी काला बन जाएगा। साथ ही में डाल दीजिए 2 चम्मच कलौंजी। बबल्स आने लगे हैं, तेल में बहुत झाग बनने लगा है। मैं स्पून से दिखाती हूँ, देखिए हमें तड़का की तरह इसे रोस्ट नहीं करना है, इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पकने दीजिए ताकि सारा अर्क तेल में आ जाए। अब डाल दीजिए इसमें प्याज। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ही हमने प्याज डाला किस तरीके से उफनने लगा तेल। तो बस 1 मिनट के लिए गैस को बंद कर दे या फिर बिल्कुल लो फ्लेम रखे ताकि ये उफन के बाहर ना आए। तो ये बहुत ही बढ़िया हेयर टॉनिक बन रहा है। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे दरदरे कूटे हुए बादाम यानी आलमंड्स। अगर आप प्योर रोगन ऑयल डालना चाहते हैं तो बाद में डालिएगा, अभी मत डालिएगा। 1 टेबल स्पून। 1/2 कप करी लिप्स। करी लिप्स इसका दुगना आप जरूर डालिएगा। लास्ट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे अड़हुल का फूल। फ्लेम मेरा बिल्कुल कम है, आप देख सकते हैं किस तरीके से उफन रहा है, धीरे धीरे पक रहा है, धीमी आंच पे हमें पकाना है। तो कुछ लोग का मानना है कि पका हुआ तेल बालों के लिए नुकसानदेह है। कोई भी तेल इसी तरीके से बनाया जाता है और घर का चीज 10 गुना ज्यादा फायदा करता है क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होता, हम जो भी इस्तेमाल करते हैं वो शुद्ध होता है। अभी मैं नीचे से आपको चम्मच चलाते हुए दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट सब प्याज हो चुका है। और ये जो आप काला काला देख रहे हैं ना, ये हमने जो मंगरेल डाला है ना उसी का है। आहिस्ता आहिस्ता धीमी आंच पे हम इस तरीके से हल्का लीड ढकेंगे। ढकना बहुत जरूरी है क्योंकि नारियल का तेल है वो जैसे जैसे भाप उड़ेगा ना, भाप के साथ नारियल का तेल भी उड़ता है, इस बात का ख्याल रखें। तो इस तरीके से साइड में खुला भी छोड़ दें ताकि स्टीम बाहर निकलता रहे, तेल उफने ना। तो मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। 8 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से धीरे धीरे बबल्स आ रहे हैं और इसमें जो भी हमने सामग्री डाला है वो तेल बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, धीरे धीरे पक रहा है। देखिए जरा भी गैस को तेज नहीं कीजिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, तेल पूरा काला हो जाएगा और ये उफन के गिर भी जाएगा। बिल्कुल धीमी आंच करके हम फिर से ढक देते हैं थोड़ा सा खुला छोड़ के, और फिर मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखाती हूँ। 15 मिनट के बाद टोटल हमने 25 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पे इस तेल को बनाया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तेल प्याज दिख रहा है, गोल्डन फ्राई हो चुका है, काला हो चुका है, जितना अर्क आना था वो तेल में आ चुका है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत झास आ रहा होगा, तेल से बहुत बदबू आ रही होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इस तरीके से तेल को साइड करती हूँ तो कितना पारदर्शी तेल है, ट्रांसपेरेंट है। अंदर आपको मेथी दाना कलौंजी साफ साफ दिख रहे होंगे। तेल का टेक्सचर आप देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, लाइट गोल्डन कलर, मीन्स जैसा बादाम का तेल का जो कलर था वही तेल का कलर है, बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। फ्लेम को बंद कर दीजिए, इससे ज्यादा हमें नहीं पकाना है, हमें तब तक पकाना था जब तक प्याज जल के काले ना हो। और जैसा मैंने कहा कि कैस्टर ऑयल में भी विटामिन ई होता है, इसलिए मैं यहाँ पे विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ।
अगर आप कैस्टर ऑयल नहीं डालें तो उसके बदले यहाँ पे 3 से 4 कैप्सूल जरूर डालिएगा। कैस्टर ऑयल, बादाम का तेल, ऑलिव ऑयल और विटामिन ई ऑयल, ये चारों तेल हमारे स्किन और हेयर के लिए वरदान से कम नहीं, तो जरूर डालें, लगाएं चेहरे पे, बालों में लगाएं। इसे अभी हम बिल्कुल भी नहीं छानेंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है, अब मैं लीड को अच्छे से ढक दूंगी और इसी तरीके से 6 घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसका सारा अर्क जो भी थोड़ा मोड़ा है वो वापस से तेल में समा जाए। मैं आपको 6 घंटे के बाद दिखाती हूँ। 6 से 7 घंटा हो चुका है। अब तेल को हम छानेंगे, तो किसी बर्तन पे इस तरीके से स्ट्रेनर रखें। अब तेल को धीरे धीरे इस तरीके से डालें। ऑयल का कलर आप देख सकते हैं। इस तेल को बनाने में हमने किसी भी सामग्री को पीसा नहीं है, इसलिए तेल को कपड़े से छानने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट के लिए इसी तरीके से रहने दें। अब इसे हटा लें। अगर थोड़ा सा तेल में आपको डस्ट दिखे तो पतले वाले स्ट्रेनर जिसे हम चाय छानते उससे छान सकते हैं। तो चम्मच से लेके आपको तेल का कलर दिखा दूं। तो तेल को मैं अपने हाथों में लेके दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं है। इसकी खुशबू भी बहुत माइल्ड है, जरा भी प्याज का महक आ नहीं रहा। इसे हाथों में रगड़ेंगे तो काफी लाइट है, बहुत अच्छे से स्किन में समा जाएगा। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आपको इस तेल से मालिश करना है। और मालिश किस तरीके से करना मैं आपको बता रही हूँ। हल्के हाथों से इस तरीके से जड़ों में फैलाएं, आपको कसकस के नहीं रगड़ना है, या फिर रुई के सहायता से भी आप इस तेल को लगा सकते हैं। और पूरी रात छोड़ दीजिए, क्योंकि इतने मेहनत से हमने घर में इतने प्यार से तेल बनाया है तो भरपूर इसका फायदा मिले। इसलिए आप अगले दिन माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करके बालों को वॉश कर लें। इसके नियमित इस्तेमाल से आपको 2 से 3 महीने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तेल रखने के लिए हम साफ शीशे का जार का ही इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक जार का इस्तेमाल ना करें। अब मैं तेल को बोतल में डाल के दिखाती हूँ। हमने 400 ml नारियल तेल का इस्तेमाल किया है, तो उतनी क्वांटिटी में हमारा बहुत सारा तेल बन गया। 300 ml का बॉटल था वो पूरा भर चुका है ऊपर तक, और थोड़ा तेल सॉस पैन में ही है अभी। आप इस तेल को 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस तेल को नेचुरल खुशबू में ही रहने दूंगी, मुझे ऐसे ही पसंद है। आपकी इच्छा हो तो इसमें किसी भी तरीके का एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। मार्केट में अलग अलग गुड ब्रांड का मिलता है। 3 से 4 बूंद डालिएगा, वरना इसके बिना ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं।